अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को वन साइडेड हरा दिया है। डोमिनेंट परफॉर्मेंस नजर आई श्रीलंका की टीम की, किसी भी मोमेंट पर इंग्लैंड को संभलने का मौका नहीं दिया। इस तरह की क्रिकेट खेलने से आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है और आज आप देख लें कि श्रीलंका की टीम रन रेट की बुनियाद पर पाकिस्तान से टेबल पर ऊपर चले गई है। इंग्लैंड की टीम जो कि इस वर्ल्ड कप में बहुत ही बुरी फॉर्म में चल रही है, कोई भी प्लेयर उनका अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, जिस तरीके से आज श्रीलंका ने हराया, तो ये है कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड के अगेंस्ट किस तरीके की स्ट्रेटेजीज बनानी है, पाकिस्तान ने इंग्लैंड के अगेंस्ट किस तरह की क्रिकेट खेलनी है। कल पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के साथ मैच खेलना है। न्यूज ये आ रही है कि हसन अली कल के मैच से रोल्ड आउट हो गए हैं, बुखार की वजह से वो कल का मैच नहीं खेल पाएंगे, उनकी जगह पर वसीम जूनियर को रखा जा रहा है। वैसे तो ये पाकिस्तानी फैंस के लिए सैड न्यूज है, क्योंकि हसन अली फिर भी बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे थे। आप देख लें कि हारिस सरोफ से बेहतर परफॉर्मेंस हसन अली की जा रही है इस वर्ल्ड कप में, और वसीम जूनियर जो कि एशिया कप में भी एक मैच मिला लेकिन उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके। इसी तरह आप देख लें कि वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस में भी वसीम जूनियर ने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी थी, तो ये पाकिस्तान के लिए थोड़ी सैड न्यूज भी है। लेकिन आई होप कि वसीम जूनियर कम बैक करेंगे कल और बताएंगे कि मुझे वर्ल्ड कप में क्यों रखा गया है। दूसरी तरफ ये खबरें आ रही हैं कि जी इब्रार अहमद को रखा जाएगा कल के मैच में, इब्रार अहमद खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, इस तरह की खबरें वो चल रही हैं। तो इब्रार अहमद नहीं खेलेंगे कल का मैच, उसकी रीजन ये है कि इब्रार अहमद को ट्रैवलिंग रिजर्व में रखा गया है। इब्रार अहमद को कल का मैच खिलाने की ऐसी कोई कन्फर्म न्यूज नहीं आई, क्योंकि ऐसी खबर जो होती है वो छुपती नहीं है। इब्रार अहमद ट्रैवलिंग रिजर्व में है, अगर पीसीबी इब्रार अहमद को खिलाना चाहता है तो पीसीबी को आईसीसी को ये पैगाम देना पड़ेगा कि जी हमारा ये प्लेयर इंजर्ड है या ये प्रॉब्लम हमारे साथ चल रही है, इसी वजह से हम इब्रार अहमद को टीम में खिलाना चाहते हैं। तो ऐसा होता है तो ये न्यूज ऑफिशियली अनाउंस हो जाती है। ऐसा नहीं है कि इब्रार अहमद को आप टॉस के दौरान कह दें कि जी हमारी प्लेइंग 11 में इब्रार अहमद को भी इंक्लूड किया गया है, तो ये खबर कोई किसी भी जगह से कन्फर्म नहीं है कि इब्रार अहमद को कल का मैच खिलाया जा रहा है। उसकी रीजन मैं आपको बता चुका हूं, पाकिस्तान ने अगर एशिया कप में अच्छा परफॉर्म किया होता तो इब्रार अहमद तो वर्ल्ड कप के प्लान में ही नहीं थे, इब्रार अहमद को तो कंसीडर ही नहीं किया जा रहा था। आपको पता है कि इब्रार अहमद का तो ओडीआई डेब्यू ही नहीं हुआ, इब्रार अहमद को तो एज अ ट्रैवलिंग रिजर्व लेकर गए हुए हैं, तो वो कैसे खेल सकते हैं। प्रॉपर एक तरीका होता है कि जिसके जरिए आप प्लेयर्स को इन और आउट करते हैं, जिस तरीके से श्रीलंका के कैप्टन डसुन शनाका इंजरी के 22 वर्ल्ड कप से बाहर हुए, तो उन्होंने एक प्रॉपर वे के थ्रू एंजेलो मैथ्यूज को वापस लेकर आए और उन्होंने आईसीसी परमिशन ली, तो ये इतनी कोई मसला नहीं है, परमिशन मिल जाती है अगर आप लेकर देते हैं। तो इब्रार अहमद का टीम में आना वो तब ही मुमकिन है कि अगर आपका कोई प्लेयर इंजर्ड होता है या शदाब को कोई इंजरी होती है, या मतलब मैं ये समझाने के लिए बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं मैं चाह रहा कि इस बंदे को इंजरी हो जाए या इसको इंजरी हो जाए, ये बात हरगिज नहीं है। बताने का मकसद ये है कि अगर कोई प्लेयर इंजर्ड होता है तो फिर उनको रखा जाएगा। इसी तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कि मोहम्मद नवाज को कल के मैच में खिलाया जाएगा और उसामा मीर को रेस्ट दिया जाएगा। अब इस न्यूज पर मैं खुद कंफ्यूज हूं, क्योंकि ना तो उसामा मीर अच्छी परफॉर्मेंस दे सके, दो मैच में खिलाया, रेट किया जा रहा था उसामा मीर को, मैं खुद भी रेट कर रहा था उसामा मीर को, लेकिन जिस तरह की उन्होंने दोनों मैचेस में परफॉर्मेंस दी तो उस वजह से फैंस को काफी मायूसी हुई। और दूसरी तरफ आप मोहम्मद नवाज की भी अगर परफॉर्मेंस देख लें तो मोहम्मद नवाज ना तो एशिया कप में अच्छी परफॉर्मेंस दे सके, ना वर्ल्ड कप में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है, तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है फैंस के लिए भी, मेरे लिए भी। तो आप क्या इस बारे में सोचते हैं, आपने मुझे ये बताना है कि आपको क्या बेहतर लगता है कि मोहम्मद नवाज को ही रखा जाना चाहिए था या उसामा मीर से ट्राई की जाए। तो ये तो एक अलग बात है, लेकिन थोड़ा सा एज मैं मोहम्मद नवाज को दूंगा। उसकी रीजन ये है कि नवाज थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेते हैं, नेदरलैंड्स के अगेंस्ट देखा, तो इस वजह से मैं कहता हूं कि चलो ठीक है कि अगर मोहम्मद नवाज को रखा जाता तो पाकिस्तान को बैटिंग में थोड़ा सा एज मिल जाएगा। लेकिन इस प्लेस पर मोहम्मद नवाज खेल रहे हैं, यहां पर पाकिस्तान को स्पिन बॉलिंग की जरूरत है, पाकिस्तान का एक भी स्पिनर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। आप देख लें कि कल पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के साथ मैच खेलना है जो कि बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, और इस वर्ल्ड कप में तो सबसे डेंजरस टीम ही साउथ अफ्रीका की जा रही है। किसी भी मैच में उन्होंने 300 से कम स्कोर ही नहीं बनाया, हर मैच में देख लें, एक मैच में 311 बनाया, उसके अलावा 383, 429 अगेंस्ट श्रीलंका, तो इस तरीके की वो क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। तो पाकिस्तान को
काफी अपनी कमजोरियों पर फील्डिंग पर सबसे ज्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। फील्डिंग अगर बेहतर होगी तो पाकिस्तान बॉलर्स को भी फायदा मिलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, और अगर आपको पहले बैटिंग करने का मौका मिलता है तो आपको अग्रेसिव क्रिकेट की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम तो नहीं ऐसे छोड़ेगी कि अगर आप 280-290 का टारगेट देते हैं तो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आप डिफेंड कर लेंगे, आप तो अफगानिस्तान के अगेंस्ट इतना स्कोर डिफेंड नहीं कर सके। तो ये चीज पाकिस्तान क्रिकेट की और मैनेजमेंट के जेन में भी चल रही होगी कि हमने किस तरीके से कल के मैच में सर्वाइव करना है। बहरहाल दुआ यही है कि पाकिस्तान कल अच्छी क्रिकेट खेले और पाकिस्तान कल का मैच जीते, ताकि पाकिस्तान को एक कॉन्फिडेंस मिले और जो विनिंग स्ट्रीक टूट चुकी है वो विनिंग स्ट्रीक को थोड़ा सा बहाल किया जाए, ताकि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए आसानियां पैदा हों।